Hello students, this is Manish Pareek in front of you. In this class, we are going to discuss a new topic in basic concept of chemistry, that is significant numbers. Significant numbers or figures. Significant numbers. So first of all, we have to know about the significant numbers. So देखो, हम जब कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज़ की, तो बहुत रेयर चांस है कि 100% एक्यूरेट कोई हम कैलकुलेशन करते हैं, माइनर से हमें कैलकुलेशन करनी है तो 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई कैलकुलेशन होना बहुत कम चांसेस है। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ ना कुछ क्या रहती है, गलती होने के 1%, 5%, 10% चांस रहते हैं किसी भी नंबर के कैलकुलेशन में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स हमें ये बताते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन किया है उसमें कितने डिजिट सर्टेन है, यानी कि कितने डिजिट हैं जो वैल्यूएबल हैं, वो हमें कौन बताते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स बताते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, द सिग्निफिकेंट फिगर्स, द सिग्निफिकेंट फिगर्स are all the certain digit or the certain digit plus one uncertain digit तो सिंपली मीन्स क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या करेंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर बाकी सब तो क्या होंगे हमारे, सर्टेन डिजिट होंगे, लेकिन एक क्या होगा, अनसर्टेन डिजिट होगा, यानी कि अनसर्टेनिटी भी बताएगा एक नंबर के अकॉर्डिंग या एक डिजिट के अकॉर्डिंग। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट जो नंबर्स होते हैं वो कन्वे करते हैं हमारे पास कि जितने भी हमारे पास नंबर या डिजिट हमने लिखे हैं उनमें से बाकी सारे तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, यूजफुल होंगे, यानी कि सर्टेन होंगे, लेकिन एक डिजिट जो होगा, जो लास्ट वाला डिजिट होगा, वो क्या होगा हमारे पास, अनसर्टेन होगा। उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं, वो हम रूल देखते हैं। पहला हमारा रूल क्या होता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। मीनिंग, मैंने ये लिखा 8.34, इसका मतलब अगर मैं पूछूं इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो ऑलवेज हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए, 3। तो पहला तो ये आ गया हमारा रूल कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको हम क्या काउंट करेंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। सेकेंड रूल हमारा, ऑल द जीरोज between two non zero digits always significant। मीनिंग, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाती है तो क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2.003, इसमें मैं पूछूं कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो हमें पता है ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट, और बीच में कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। तो दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आ जाएं वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि 1003, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 4 है। तो दूसरा रूल बड़ा सिंपल सा क्या, कि हमारे पास दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाते हैं तो वो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या होगा हमारे पास, द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट और आर नॉट सिग्निफिकेंट, मीनिंग कि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में यानी कि शुरुआत में नंबर के अगर जीरो आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल समझो, मैंने लिखा 0.003 तो ये फर्स्ट नॉन जीरो है, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरोज आएंगे वो सारे क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि हमारे पास यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर का अगर मैं काउंट करूं तो कितना आएगा, ओनली 1। ऐसे ही और तीसरे का एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने ये लिखा 0.0041 तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, उससे लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं वो क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हो गए, 2। तो ये 3 लॉ पढ़ लिए। फोर्थ लॉ देखिए, हमारा फोर्थ रूल जो है सिग्निफिकेंट डिजिट का, वो हमारे पास क्या है, तो फोर्थ रूल है कि जीरोज टू द राइट ऑफ द, हमारे पास फोर्थ जो रूल है, द जीरोज टू द राइट ऑफ द, राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। यानी कि एंड पे अगर जीरो आ जाता है, राइट एंड पे अगर जीरो आ जाता है तो वो क्या होगा, हमारा सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0.410 तो ये हमारे पास 41 के बाद क्या आ गया, जीरो आ गया। किस साइड में, राइट एंड में, यानी कि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में आ गया, तो ये क्या होगा हमारे पास, सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल जैसे 0.2030 ये दे दिया मैंने, तो 0.2030 में 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ गया, वो तो काउंट होगा ही, और लेफ्ट राइट साइड में अगर एंड पे आ गया तो भी वो क्या होगा, काउंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। अगर मैं ये लिखता हूँ 400.0 तो यहाँ भी देखिए ये पॉइंट के बाद लगा हुआ है, फिर भी ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 4। तो राइट एंड पे जितने भी जीरो आएंगे वो हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ये फोर्थ रूल हो गया हमारा, जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा रूल देखते हैं, फिफ्थ हमारा होगा कि अगर कोई यूनिट लिखी हुई है नंबर्स के साथ में, यूनिट का मीन्स जैसे मैं लिख दूं 20 eggs है ना, मैं लिख दूं 13 टेबल, तो अगर कोई यूनिट लिखी हुई है तो वहां पे अगर हमसे क्या पूछ ले, हमसे पूछ ले सिग्निफिकेंट फिगर, तो इस कंडीशन में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 20 को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 20 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं 20 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कितने भी जीरो लगा सकता हूँ इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल है सिग्निफिकेंट नंबर आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि एक्सपोनेंशियल यानी कि 10 टू द पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए या 10 की पावर में कुछ भी आ जाए। जैसे मैंने आपको लिखा 3.48 × 10 टू द पावर 48 तो ये जो टर्म होती है 10 की पावर वाली एक्सपोनेंशियल वाली, उसको हम नॉट सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में होंगे, सिर्फ इस डिजिट में होंगे। यहाँ पे कितने हैं, 3। एक्सपोनेंशियल टर्म को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। तो ये बेसिक हमारे रूल्स थे जिसके अकॉर्डिंग हमें सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, फिर हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। पहले इसको मैं रब करता हूँ, फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं लिखूँगा एग्जाम्पल्स, आप वीडियो पॉज करके पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर उनके सॉल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में पहला हमारा एग्जाम्पल है 207.35, सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है 0.00368, थर्ड हमारा एग्जाम्पल है 653, फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है 3.653 इंटू 10 टू द पावर 4, फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल है 0.378। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 और जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 5। ओके, नेक्स्ट देखो इसके अंदर ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, 3 तो है ही है, बट लेफ्ट एंड पे अगर जीरो लगा हुआ है नॉन जीरो से पहले वो क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। ये तीनों क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 3। 653 इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास यहाँ होंगे 3। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारी जो ये टर्म होती है 10 की पावर वाली, ये तो क्या होती है, नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, और यहाँ देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 3। अब इसमें एक जो रूल है वो समझो, एक स्पेशल रूल है कि अगर मैं आपको सीधा ये पूछूं कि 2500 इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो वैसे तो हमने देखा था कि लेफ्ट एंड पे जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 0.0 तो हमारे पास फिक्स हो जाएगा कि 2 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट अगर मैं ये डेसिमल के बाद या डेसिमल नहीं लगाता हूं तो अब हम इसमें नहीं बता सकते सिग्निफिकेंट फिगर है अनटिल अनलेस जब तक कि हमें ये ना बताई जाए कि अनसर्टेनिटी कितनी है, 1 की है, 10 की है, 100 की है, यानी कि अनसर्टेनिटी 1 डिजिट है, 2 डिजिट है और 3 डिजिट है। तो ये याद रखना है, अगर इस तरीके से सीधा नंबर लिखा जाए विदाउट डेसिमल और जीरो हमारे पास किस साइड में हो, राइट हैंड साइड में हो, तो हमें अनसर्टेनिटी बतानी पड़ेगी कि 1 डिजिट की है, 2 डिजिट की है, 3 डिजिट की है, फिर हम बता पाएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ये हमारे रूल्स थे बेसिक किसके, सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करने के और कैलकुलेट करने के। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करना सीखते हैं, एडिशन करना सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन करना सीखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन कैसे होता है, उसके लिए क्या रूल काम करते हैं। देखो अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करना है, ऐड करना है। मान लीजिए ये मैं करता हूँ 5.423.72.1.203, ये मान लीजिए मैंने किया। अब इनको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कीजिए 6 4 13 7। अब मेरा नंबर कितना, देखो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर देखो कितने हैं, 4, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 4। अब मेरे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए, तो मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास डिजिट्स में वो हमारे नंबर में होंगे। तो यहाँ पे देखो नंबर में हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 कब आएंगे, जब हम यहाँ से इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 7.3 होगा। तो जितना इन डिजिट्स में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही हमारा आंसर में होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो 3.182.012 या 0.10 और 1.21, इसमें देखो 2 9 1 2 4 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.4। अब देखो 4.4 हमारे पास आ गया। अगर तो हमारा जो आंसर आया उसमें ये जो लास्ट डिजिट आया है और उसके बाद में जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, 5 से क्या हो, बड़ा हो, तो यहाँ पे अगर ओड होगा तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास इवन होगा तो उसे हम क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। यानी कि देखो 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया तो हमें क्या करना पड़ा, एज इट इज हमारा आंसर क्या आएगा, 4.4 आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आ जाता 3, मान लीजिए इसको 1 कर देता मैं, अब 3 आ जाता, तो 3 के अकॉर्डिंग हमें देखना था कि 3 के बाद में जो सिग्निफिकेंट लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में कितना नंबर आया 9, 9 क्या है 5 से बड़ा है तो हम इसे क्या करते हैं राउंड ऑफ, यानी कि हमें 4.4 इसका आंसर लिखना होता अगर ये इवन होता है तो, अगर और ओड होता है तो, अगर इवन होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, जो आंसर हमें आता है वही आंसर हम लिख देते हैं। सेम ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में कि जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे डिजिट्स में उतना ही हमारा आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो 5.814 और यहाँ पे लिख लीजिए 0.210। तो यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्ट करें इसको हम 406 5.604, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 3, तो सिग्निफिकेंट आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे 3 होंगे 5.60। ठीक है, और हमारे क्या है ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर में उतना लिखते हैं, ऐसे ही डिवाइड में जो लिखते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जो हमारे एग्जाम होते हैं 11th के, उसके अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, और हमारा जो साइंटिफिक नोशन था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो भी आता है। तो होप्स हो कि आपको ये टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। थैंक यू सो मच।